मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 15 दिसंबर रविवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? मित्रों, आज 15 दिसंबर को शुक्र ग्रह राशि बदल रहा है और यह ग्रह धनु से मकर में प्रवेश करेगा और इस राशि का स्वामी शनि होने वाले हैं। मित्रों, आपको बताएंगे कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र ग्रह के बदलाव से क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं तथा कौन से खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं, आपके व्यापार में क्या परिवर्तन होंगे, आपके कार्य क्षेत्र और आपके लव लाइफ कैसा रहने वाला है, पूरी जानकारी, उसके साथ साथ आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको ज़्यादा सफलता मिल सके और शुक्र का राशि परिवर्तन आपके जीवन में कौन सी परिवर्तन को ला रहा है, आपको बताएंगे पूरी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपका दिन बेहद शुभ रहेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कुछ दिनों से परिवार में चल रही समस्याओं का हल आज आप ढूंढ सकते हैं। छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिल सकता है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि परिवार वालों के साथ आपका समय बीतेगा और आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर बना रहा है। किसी कार्य की योजना बनाने में आप सफल होंगे। मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा। सोचे हुए सारे काम पूरे होंगे। कार्य में आपको बताना चाहेंगे कि कुछ विलंब के बाद सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। धन संबंधित मामलों में सतर्क रहना आपको आज के दिन विशेष रूप से जरूरी है। किसी अवैध स्रोत के जरिए धन कमाने का प्रयास न करें। शारीरिक रूप से आप बेहद स्वस्थ रहेंगे। आज ऑफिस में आपका काम बढ़ सकता है। आपके काम की तारीफ होगी। आमदनी में इजाफा होने का कोई बेहतर योग बन रहा है। परिवार के साथ आप समय बिता सकेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख के पल आएंगे। ज़्यादा काम होने से आपको थकान महसूस हो सकते हैं। मित्रों, जो जातक आज छुट्टी पर रहेंगे वे शाम तक कहीं किसी पार्टी को अटेंड कर सकते हैं। किसी सामान की खरीदारी करने आप जा सकते हैं। मित्रों, आज के दिन आपको बताना चाहेंगे कि किसी से अनबन ना करें। आज अनबन भी हो सकता है। किसी सामाजिक कार्य में कार्य करने के लिए आपको मौके मिलते रहेंगे। मित्रों, आज के दिन विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। आप सोच विचार में आज डूबे रहेंगे। आर्थिक मामलों को लेकर किसी व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आज थोड़ा सा नीरस दिन रहने वाला है। मित्रों, संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होने वाली है। तुला राशि के जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा। साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके पहचान बनेगी। धन प्राप्ति का रास्ता दिखाई देगा। मित्रों, आपको अपने कार्य क्षेत्र के अलावा अन्य स्रोतों से लाभ मिलेगा। आप आज बताना चाहेंगे कि आपके सामने बहुत सारे क्षेत्रों से लाभ कमाने के मौके उभर कर आएंगे। आपके लिए कोई व्यक्ति आज मददगार साबित हो सकता है। संतान का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपसी सहमति से आगे बढ़ने के योग हैं। वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम सफल होंगे। आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी स्थापित हो रहा है। मित्रों, शुक्र का राशि परिवर्तन आपके जीवन में कई बड़े बदलाव कर रहा है और ये बदलाव आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। आप अपने बलबूते पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करोगे। आपको बताना चाहेंगे कि आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी होगा। भूमि खरीद विक्री में
आर्थिक लाभ संभव है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का और खुद का नाम बनाने का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा। परिवार में शादी या संतान के जन्म संबंधित शुभ घटनाएं घटित हो सकती है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि अपने जरूरी कामों को आज समय से आप निपटा पाओगे और शेष समय में आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ या फिर किसी दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आपको रास्ते में आपका खोया हुआ प्रेम फिर से दिख सकता है। आपके जीवन में बिछड़ा हुआ प्रेम फिर से दस्तक दे सकता है। और लव लाइफ की बात करें तो तुला राशि के जातकों के जीवन में आज नए प्रेम योग का शुरुआत हो सकता है। निजी रिश्तों में कोई दिखावा न करें। लोगों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार आप जरूर करें। जीवन साथी आपकी भावनाओं को कद्र करेगा। कोई परेशानियां चल रही है तो जल्द ही हल होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। परीक्षा में अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अटके हुए कार्य जल्द ही संपन्न होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी के चलते स्थान परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रियजनों से मिलने का मौका भी आपको मिल रहा है। मित्रों, आज के दिन आपको बताना चाहेंगे कि अविवाहितों के लिए दिन बेहद शुभ है। उनके विवाह का प्रस्ताव आज आ सकता है और रविवार के दिन खास तौर पर दूर के रिश्तेदार आपके घर पर आ सकते हैं और आपके घर का माहौल खुशनुमा बना सकते हैं। पारिवारिक कलेश दूर होंगे। आज कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपका कोई अधूरा काम पूरा हो जाएगा। दूसरों की मदद करने से आपको आज के दिन संतुष्टि मिलेगी। स्टूडेंट को करियर में सफलता मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बढ़ोतरी होगी। किसी समारोह में ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके लिए बहुत खास साबित होने वाला है। कारोबार को बढ़ावा और बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छे सुझाव भी लोगों से मिलेंगे। इसके साथ साथ तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, जिसकी वजह से जिस भी कार्य को करोगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और आज आपके कार्य सभी पूर्ण होंगे। आपको रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, अगर आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, कारोबार में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बेहद उत्तम रहने वाला है। किसी ग्राहक के साथ अनबन ना करें। आज आपको ग्राहकों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आज आप में से कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कुछ आकस्मिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा से संबंधित कार्य सफल होंगे। प्रॉपर्टी, कमीशन आदि लेन देन करने वालों को वांछित परिणाम मिलने शुरू हो रहे हैं। धन की आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी महंगी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। कार्य सिद्धि के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी आप रह ना रखें, नहीं तो आपको भविष्य में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को आज सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। पारिवारिक जीवन यथावत रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। मित्रों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक और सुखद रहेगा। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की चिंताएं करना आपको छोड़ देना चाहिए। आपको अपनी किस्मत का सितारा खुलने वाला है। धन की आमदनी हो रही है। आपकी आर्थिक तंगियां दूर होंगी। पैसों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं थीं उन सबों से छुटकारा मिलने वाला है। आपको अपने विचारों और सोच को सकारात्मक विचार बनाए रखना है। पारिवारिक मेलजोल के लिए अच्छा दिन है। रिश्तों में यदि गहराई बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप को व्यक्त करना शुरू कर दें। स्वास्थ्य आपका बेहद सामान्य रहने वाला है। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि खास तौर पर आज के दिन क्रोध पर संयम बरतें।
तथा सभी से भेदभाव वाली दृष्टि को दूर करें। आपको बताना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करोगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोगों के बीच आपकी इज्जत और कैपेसिटी बढ़ रही है। आज शुक्र का राशि परिवर्तन आपके जीवन में नए बदलाव को ला रहा है, आपकी सभी समस्याएं दूर हो रही हैं। मित्रों, आज का दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।